उज्जैन जिले में शहरी और तहसील क्षेत्र में नदियों में बड़ी मात्रा में रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत संगठन ने लिखित में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह से भी की है। संगठन पदाधिकारियों ने रेत के अवैध कारोबार को रोकने की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में शहरी क्षेत्र या फिर तहसील सीमा क्षेत्र की प्रमुख नदियों से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत का कारोबार संचालित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर प्रतिदिन रेत निकाली जा रही है और रेत बेची भी जा रही है। साथ ही इन वाहनों से आए दिन हादसे और दुर्घटनाएं हो रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत की और मांग की कि पूरे उज्जैन में अवैध रेत का कारोबार फल फूल रहा है, अब इसको रोका जाए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गंभीर नदी में किस प्रकार से अवैध उत्खनन और रेत का कारोबार किया जा रहा है और किस प्रकार से शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्या हो रहा है? हिंदू महासभा और गोवत्सल न्यास द्वारा लगातार 2 वर्षों से गंभीर और सिपरा में जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसके लिए आंदोलन भी करा है। माइनिंग कार्यालय में जाकर के आंदोलन करे हैं, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन माइनिंग की खुली सेटिंग से आज भी सिपरा और गंभीर के अंदर रोजाना करीब करीब 40 नाव के माध्यम से रेत निकाली जा रही है। इसी ढंग से आज सिपरा के पास में भरतर गुफा के पास में सिपरापुरा गांव है, उसके पास में रात में लगातार रेत निकाली जा रही है। शहर में 3-3 मंडियां हैं अवैध तो रेती की बिकती है। जिला कलेक्टर महोदय ने भी 2 दिन पहले आदेश दिए थे कि भाई अवैध खनन को रोका जाए। हिंदू महासभा की टीम ने कल दौरा करा था गंभीर नदी का और वहाँ से वीडियो बनाकर लाए वापस से। आज भी वहाँ झांझ लगे हैं और नाव निकाली जा रही है, रेती निकालते हैं। आज इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं कि जिला कलेक्टर के आदेश भी मानते हैं। मामला हाईकोर्ट के अंदर भी है, लेकिन खनन माफिया की जड़ें इतनी मजबूत है कि लगातार रेती चोरी कर रहे हैं। हिंदू महासभा अपील करता है CM साहब से कि अगर जल्द से जल्द रेती का कारोबार नहीं होगा तो पूरे MP के अंदर आंदोलन होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।